तो गाइस वेलकम है मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ कटोरिया और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं कहीं से भी ब्लॉग स्टार्ट करता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ब्लॉग डेली बना नहीं पा रहा हूँ और अच्छे से भी नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं तो वायरल नहीं होता एक दो वीडियो भी। तो देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ कटोरिया, ये रहा गाड़ी क्योंकि आज बस नहीं चल रहा और अभी जा रहे गाइस। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, आज भी ब्लॉग बना रहे क्या ही बताएं, मतलब मेरा फर्स्ट चैनल इसी तरह डेड हो गया था, ठीक है। गेमिंग चैनल जो था ना, एक महीना मैंने वीडियो नहीं डाला था, इसके वजह से मेरा गेमिंग चैनल डेड हो गया था। मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्लॉग चैनल भी डेड हो जाए, इसके वजह से वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर वेयर कर देना भाई। तो अभी चलते हैं कटोरिया का सीन दिखाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहना, चलिए चलते हैं। जमुआ मोड़ आ चुके हैं और यही इसी से जाते हैं बाबा धाम, जो जाते हैं बासुकीनाथ, ठीक है। करीबन 4-5 साल हो चुका है आए हुए इधर, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना भाई, क्या ही बताऊँ। देख सकते हैं धूप, देखो भाई क्या ही मतलब धूप दिख रहा है, क्या ही मतलब आँख पूरा एकदम भाई, एकदम कोई बोलेगा नहीं हाँ के निकला हूँ, पूरा मतलब एकदम पसीने से भीग गया, पसीने से देख सकते हो क्या ही बोले, कोई बोलेगा नहा के निकला था साला। इधर का सीन देखो भाई, गजब का व्यू है, सामने एक मंदिर भी है, इधर व्यू अच्छा है लेकिन वीडियो ना इधर देखो किस तरह बाइक चला रहा है, इधर आया फील्ड में बाइक सीखने के लिए आया है। इधर देख सकते हो ये रेलवे जो है ना, ये कटोरिया वाला रेलवे है, मतलब जसीडी से जाता है ये लाइन, ठीक है। अभी आए खाना उना खा के इधर बैठे हैं, क्या ही बोले मतलब जिंदगी थमसा गया है। माँ चाँद रहा देख रहे हो, चक्का घुरा रहा भाई, चक्का घुरा रहा है, घुरा 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 चक्का। इधर बैठते हैं थोड़ा देर, ये सब गाड़ी चला रहा फालतू का पेट्रोल जला रहा है, चलो कोई ना। ट्रेन जा रहा, ट्रेन जा रहा गाइस, ट्रेन लंबा ट्रेन नहीं है, देख सकते हो छोटा ही ट्रेन है, भागलपुर करने के लिए काफी है इतना। आम देखो गाइस, आम किस तरह लटका हुआ, ये देखो आम इतना नीचे नीचे लटका हुआ, अभी तो कुछ तोड़ा नहीं, मीठा वाला आम है, मीठा वाला बहुत सारा है, बहुत सारा। देखो रील कहाँ शूट हो रहा है, देखो ये देखो यार, देखो रील शूट हो रहा है, वाह। वो भी खेतों में रील शूट हो रहा, बताओ खेत में रील शूट कर रहा, खेत में देख रहे हो, देखो पूरा खेत है। तो गाइस अभी कटोरिया मार्केट पहुंच चुके हैं, अभी यह एटीएम से पैसा निकालने के लिए, ये रहा कटोरिया का बाजार, हम कैसे निकालेंगे ऐसे का हवा लग रहा है। चौक कटोरिया का चौक निकला रास्ता है, तुरंत जाम लग जाता है तुरंत। तो गाइस जो जो यहाँ तक वीडियो बने हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या ही बताऊँ मतलब आते वक्त तो नहीं बनाए ब्लॉग, और ब्लॉग तो ठीक से ही नहीं बन रहा, ये तो आप लोग को ही पता चल रहा होगा, और क्यों नहीं बन रहा ये भी मैं बता चुका हूँ, और मेरे को हैबिट भी नहीं है, ठीक है। तो हैबिट बनाने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ डेली करूँगा ब्लॉग, और जो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ना उसको मैं अपलोड करूँगा। तो इसीलिए मैं अभी देख सकते हो कितना कड़ा धूप है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 10:30 बज रहा है, 10:30 देखो कितना कड़ा धूप है, आप 5 मिनट भी नहीं रह सकोगे इस धूप में, इतना कड़ा धूप है। पेड़ के पास बैठे हैं तो थोड़ा राहत मिल रहा है, कहीं बताए। तो गाइस बस सपोर्ट करो, और हमें सपोर्ट करने वाला वही है जो कि सबको हमें मेरा अपना ही है, मतलब और होगा जो होगा गाइस कमेंट करके बता देना, ठीक है। एक एक कमेंट कर देना भाई, और क्या ही बताएं।
तो गाइस क्या ही अब करें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए वीडियो। मतलब मेरा पैर भी इस तरह है, मैं कंटेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ और पब्लिक सिटी में बनाने में भी अजीब लगता है। तो उसको मैं दूर करूँगा पहले, ठीक है, तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो मैं डेली, अब डेली नहीं, 2 दिन में 3 दिन में अपलोड करूँगा, क्योंकि चैनल डेड हो जाता है। इसी तरह मेरा फर्स्ट चैनल जो था ना चंदन एक्स गेमर का, वो वाला मेरा चैनल इसी तरह डेड हो गया था। और कैसे डेड हो गया था जानते हो, मतलब 1 महीना मैंने उस पर वीडियो ही नहीं डाला और उतना डाउन हो गया था कि 2-3 व्यूज आ रहा था। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग चैनल भी ख़त्म हो जाए। इसलिए गाइस मैं इस पर 2-3 मिनट का ही वीडियो डालता रहूँगा और 2-3 दिन में रेगुलर डालता रहूँगा, ताकि हमें भी हैबिट हो जाएगा। और भले आप आज नहीं देखोगे आप लोग, लेकिन कल मैं ऐसा कंटेंट दूंगा, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करोगे तभी हो पाएगा ना। और देखता हूँ पैर का क्या स्थिति है, मतलब पैर फिर से दर्द स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं चलते हैं, बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। और डॉक्टर वॉक्टर तो दिखा चुके, एक बार और दिखाने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं, अब देखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।